अब इसमें मजेदार बात क्या है बताए, ये बिल्डिंग है थ्री साइड ओपन, 6 मंजिल की बनी हुई बिल्डिंग, सदर बाजार दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है, 3 साइड ओपन। हेलो अंकल जी, राम राम, नमस्कार। ये जो आपकी बिल्डिंग जो आपने बताई थी ना सदर बाजार में सेल के लिए थी, तो ये भैया मिले हुए हैं, एक बार इनसे बोल दीजिए मुझे पूरी बिल्डिंग एक बार दिखा दें, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। राजू नाम है नैन का, बात करिए प्लीज आप। हेलो, ठीक है दिखा रहा हूँ। ठीक है अंकल जी, फिर मैं वापस कॉल करता हूँ, उनको सारी जानकारी तो है ना यहाँ की। ठीक है, मैं ओके, ठीक है मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। बिल्डिंग कितनी मंजिल की है ये? ये बेसमेंट लगा के 6 बैठी। बढ़िया दोस्तों, अभी हम दिल्ली के सदर बाजार के अंदर हैं, माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ आपको कॉस्मेटिक ज्वेलरी बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ क्या है कि यहाँ आप जिधर निगाह घुमाएंगे, पीछे घुमा जाएगा कैमरा दिखा के, यहाँ की ज़्यादातर गलियाँ आपको इसी तरह की मिलेंगी, लेकिन बावजूद इनके यहाँ पर दुकानों का किराया 70,000 रुपये, 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 40,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये तक किराया चला जाता है। जो रोड से थोड़ा सा अगल बगल में जो गोदाम बने होते हैं ना, उनका किराया बड़ा यहाँ महंगा होता है। जो लोग आते जाते हैं शॉपिंग करते हैं, शॉप या फिर जिनका काम है दुकानदारी वाला काम है, जहाँ आने का काम है, उनको ये सारी बातें पता है। एक बार पहले हम देख लेते हैं बिल्डिंग में क्या क्या बना हुआ है, फिर एक बार वापस सर से हम बात करेंगे उनको, फिर सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो एक बार मैं ये देख लेता हूँ, ये देख लो फर्स्ट। ये सर एक तो ऑफिस है ये हमारा, है ये ऑफिस है। अच्छा जी, अंदर आके देख लो। नहीं, ऑफिस से पहले मुझे ये बता दी, ये रोड हमारा कहाँ के लिए गया हुआ है? ये 12 टूटी निकल जाता है सीधा 12 टूटी, 200 मीटर की दूरी है, कोई ज्यादा नहीं। 12 टूटी चौक, 12 टूटी चौक, जब आप कहीं से भी आएंगे तो मेट्रो की आपको पड़ेगी दिल्ली के अंदर ब्लू लाइन, निकल जाइए आप, मेट्रो की पड़ेगी आपको ब्लू लाइन पर ही दोस्तों पड़ता है आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन, वहाँ से बैठकर आप 10 रुपये दीजिए ऑटो में, सीधा 12 टूटी चौक आएंगे, वहाँ से एग्जैक्ट 150 से 200 मीटर का इस बिल्डिंग का डिस्टेंस है। आ जाइए अब इधर से सीधे आप निकलेंगे 12 टूटी, और ये मार्केट वाला रोड है पूरा, क्योंकि सदर बाजार मार्केट होती ही ऐसी है। अच्छा भैया, इधर जाएंगे तो हम कहाँ के लिए निकल जाएंगे? ये भी निकल जाएगा सदर 12 टूटी चौक, तो ये ऐसे घूम कर निकलेंगे क्या? आइए ज़रा, अब इधर हम आते हैं तीसरे में, ये आप देख रहे हैं इधर ये कार्टून रखे हुए हैं, या फिर आप जिस भी बिल्डिंग में यहाँ निगाह घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हर घर में लगभग आपको गोदाम देखने के लिए मिल जाएगा, और उनके किराए इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर सदर बाजार से आप बाहर निकलेंगे तो आपको जो मेन रोड का किराया होगा किसी और जगह जाके दिल्ली के अंदर, वो यहाँ आपको दोस्तों पतली पतली गलियों के अंदर आपको इतना किराया देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा थोक का बाजार है पूरा सदर बाजार। अच्छा भैया, इसकी बात करें तो ये इधर से कहाँ निकलते हैं? ये पार है या बंद है दोनों गलियाँ? पार है। ये कहाँ का कैसे कैसे निकलते हैं? पहाड़ी धीरज निकल जाएगी, पहाड़ी धीरज के लिए, पहाड़ी धीरज सदर बाजार के अंदर पड़ता है, और इधर से सर इधर भी पहाड़ी धीरज निकल जाएगी, तो इनके अंदर भी गोदाम वगैरह बने हुए हैं? सब गोदाम है, सब्जी हर जगह गोदाम है, यहाँ पर देखने के लिए गोदाम भी है, लोगों ने अपने ऑफिस वगैरह भी बना रखे हैं। यानी कि दोस्तों पूरी जो बिल्डिंग अभी हम जिसकी बात आपसे कर रहे हैं वो ये है, आप देख सकते हैं वहाँ से लेके यहाँ तक इसका फ्रंट है बिल्डिंग का, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर 1, 2, 3, 4 मतलब 4 मंजिल तो ऊपर बना हुआ है, प्लस एक बीच में ऑफिस बना हुआ है, और ऑफिस के नीचे आपको इसमें गोदाम देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा भैया, किधर से शुरू करेंगे आप? इधर से देखना शुरू करें, पीछे से घूम के यहाँ से आपका दिल करे। चलो इधर से चलते हैं हम, एक बार आपको सारा दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या नीचे इस बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है, और किस मंजिल का कितना यहाँ पर किराया आता है। क्या बात है जी, इधर क्या देखने जा रहे हैं सर हम? इधर क्या देख रहे हैं? बेसमेंट। हाँ, बेसमेंट देख लो। अच्छा जी, आ जाओ। अरे सर, ये तो बड़ा, लेकिन गोदाम तो भाई गोदाम ही होता है, तो सारा माल भरा है, रेंट पे चढ़ा है। ये किराए पे चढ़ा हुआ पूरा? हाँ जी। ओके जी, अभी किस चीज़ का सर गोदाम है ये? फ्लावर का है, फ्लावर्स फूल होते हैं जो है। अच्छा जी, अच्छा चले। हाँ अच्छा, इस तरह के ये सैंपल इसी के रखे हुए शायद। बहुत बढ़िया, कितना किराया आता है सर इसका? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये इसका किराया आता है। ओके जी, अब एक बार चलते हैं पहली मंजिल पे, देखते हैं वहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी हमने बात करी, जैसे वहाँ से उधर जीना अलग है, ये इधर सीढ़ी अलग है, तो ये दो दो जीने सर कैसे हैं इसमें? टू शर्ट बना रखा है ना, टू शर्ट बना रखा है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये भी अभी पहली मंजिल पर है, ये भी पहली मंजिल पर है, तो वो तो इतना ऊंचा है, ये दो, जब प्लॉट थे दो,
अच्छा जी, पहले येलन लिया, वो बाद में लिया गया, वो बाद में लिया था, इनके मालिक नहीं है अभी जिनसे मेरी बात हो रही है। दो प्लॉट है ये। अच्छा, कहाँ रहते हैं वैसे मालिक इसकी? आरकेपुरम। आरकेपुरम सेक्टर 4। सेक्टर 4 के अंदर। चलो एक बार ऊपर जाके देखते हैं, आइए। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये रेंट पे चढ़ा हुआ। अच्छा जी, ये किचन है, ये रूम है, तो बंद है इस टाइम, रेंट पे चढ़ा हुआ ये भी। अच्छा, रेंट पे उठा रखा है, तो इसमें तो वही दुकानदार लोग रहते होंगे सदर बाजार में जो काम वगैरह करते हैं। गोदाम बना रखे हैं उन्होंने। अच्छा जी, इधर खिड़की है इसमें। जैसे समझाओ ना, एक्चुअली मैं इतना सकरा है यहाँ आने जाने का सिस्टम कि मैं थोड़ा वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूँ। ये क्या है, किचन है? किचन है ये। ये एक इसमें कमरा है, ये हॉल है पूरा एक। अच्छा, यहाँ से आगे तक पूरा हॉल बना रखा है। ये इधर लैट्रिन बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम है। इधर पीछे क्या है ये? फिर पीछे गली आ जाती है आपकी, ये गली बंद है, इसको खोल लेंगे तो आपको बाहर वो गली दिखाई देगी जहाँ लोग खड़े हुए थे नीचे। अच्छा जी, यानी कि हम ऑफिस से ठीक ऊपर वाले पर हैं अभी। अभी जब हम वापस निकलेंगे, नीचे पहुँचेंगे, तो फिर आपको दोस्तों ऑफिस देखने के लिए मिलेगा। ओके जी, और ऊपर जाएंगे? हाँ ऊपर चलो। तो फिर इधर से जाने के बाद फिर क्या, उधर वाले जीने से उतर के हम आ जाएंगे? नहीं नहीं आ सकते। ये भी रेंट पर चढ़ा हुआ है। ये भी रेंट पर चढ़ा हुआ है। अच्छा, सबका 25,000 रुपए किराया था। ये भी किराए पे चढ़ा हुआ था। ये भी किराए पे चढ़ा हुआ था। 6,000 रुपए मिलते थे। 6,000 रुपये देख रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं बाथरूम जैसा साइज है कमरे का। ओके, ये 15 में चढ़ा हुआ था। नहीं, उसको मत निकालो सर। चलो, जैसे ये जो हम अभी मंदिर जो हमें दिखाई दे रहा था, हाँ ये इसके पीछे मंदिर ही है। अच्छा, इधर ही मंदिर है ना? मंदिर के अगर पीछे पीछे है। ये लो खोल सकते हैं, ये खोलिए जरा। ये अभी हम उधर हैं जिधर से वो कांच का दरवाजा हमें दिखाई दे रहा था। अभी हम कौन सी मंजिल पर हैं? चौथी मंजिल पर हैं, पांचवें पर? चौथी पे हम। इसके दो ऊपर और जाने पड़ेंगे हमें? पांचवी पे। अभी पांचवी पर, एक ऊपर और जाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। ये लो जी, सूरज की रोशनी आ गई। ये भाई दिल्ली सदर बाजार। सर आप इसको बंद कर दीजिए, बाद में बंद करेंगे। बाद में कर देंगे। दोस्तों ये जो कमरा आपने देख लिया, इसके बगल में यहाँ पर एक रूम और बहुत अच्छा बना हुआ है कमरा। बाकी दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए समय देखो, कालीन वगैरह से बिछा हुआ है। काफ़ी बड़े साइज का कमरा है, ऊपर से इस तरह का इसका फॉल सीलिंग है। अच्छा, गाटर वाली बिल्डिंग है, गाटर पत्थर वाली है ना? पहले तो सर गाटर पत्थर की बिल्डिंग चलती थी। पहले कौन लेंटर को जानता था, पहले कौन लेंटर डालता था। और नीचे का देखिए, इस तरह का मार्केट का व्यू है। ये सारी नीचे दुकानें हैं, गोदाम बने हुए हैं। इधर भी देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सर। आपको दोस्तों इस गली के अंदर गोदाम पूरा मिलने वाला है हर तरफ। ये चीज़ है भाई, एक आखिरी फ्लोर ऊपर वाला और है, उसको जाके ऊपर देख। अच्छा, यहाँ अगर आपके सर मकान का इसका पूरी बिल्डिंग का डायमेंशन समझ में आ रहा है मेरी में, तो ऊपर आ जाके दोनों छत एक जैसी हो गई हैं। हाँ एक जैसी हो गई। देखो दोस्तों, ये एक्चुअल डायमेंशन है, आप समझ लो यहाँ से लेके और यहाँ तक तो इसकी मकान की चौड़ाई है जी, जिसमें ये भी शामिल है जीना। जीना कितना होगा जी? जीना है तुम्हारा लगभग 3 फुट का। 3 फुट का है, 3 फुट है, 3 फुट का जीना है। बाकी दोस्तों ये स्पेस है और बाकी इसकी गहराई है वो उस कोने से लेके वहाँ तक है। अच्छा, अब इसमें मज़ेदार बात क्या है बताएं, ये बिल्डिंग है 3 साइड ओपन। 3 साइड ओपन, 6 मंजिल की बनी हुई बिल्डिंग सदर बाजार दिल्ली के अंदर। बिल्डिंग है 3 साइड ओपन। ये दरवाज़ा खुलता है सीधा आपका इधर जाकर, ये देख सकते हैं आप, इधर से सीधा बारह टूटी चौक निकल जाएंगे। इधर से ही बारह टूटी चौक, इधर की बात करें ये दरवाज़ा भी खुलता है, आप इधर सीधे बारह टूटी चौक निकल जाएंगे। यहाँ से 150-200 मीटर है, और इधर से अगर आप पीछे निकलते हैं पहाड़ी धीरज, तो आप सीधा दोस्तों पीछे से निकल जाएंगे पहाड़ी धीरज गली। यानी कि यहाँ हर तरफ जो गली है वो चालू गली है, हर तरफ गली पार है। यहाँ बिजनेस का बड़ा हब है, जो लोग आते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि सदर बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा होलसेल का वर्क होता है बहुत सारी चीज़ों का। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सदर बाज़ार में नहीं मिलती है जी सर, ठीक बात है ये? बिल्कुल सही बात। जैसे हमने आपसे शुरू में बोला था कि हम इधर से चढ़ेंगे तो उधर उतर जाएंगे क्या, तो जैसे अभी तो हमने एक तरफ की बिल्डिंग देख पाई है, तो फिर इधर वाली बिल्डिंग छत तो हमने दोनों की देख ली है, लेकिन एक तरफ की बिल्डिंग हमने देख ली, दूसरी तरफ की बिल्डिंग मतलब कैसी बनी हुई है? सेम बनी सेम ही है बिल्कुल। अच्छा, एक जैसी है बिल्कुल, दोनों के बीच में बेसमेंट है और 6 मंजिल तक दोनों बिल्कुल बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा जी, अब सर कितना पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है आपको तो पता है, अंकल से पूछना पड़ेगा शायद मुझे। ये कम से कम मालूम है आपको इस बात का? ये बनी होगी जी 95 के अंदर। 95 के आसपास? 95 के आसपास। ओके,
तो अंकल का कोई इसका बिजनेस था क्या पहले इसमें कॉस्मेटिक वगैरह का क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो सरकारी नौकरी थे जी। अच्छा जी, गवर्नमेंट अफसर रहे हैं वो? बड़े अफसर रहे, समझ गया था, मुझे लग तो रहा था उनकी बातों से मैंने जब बात की थी तब। बड़े अफसर हैं, अच्छी रेंट के। अच्छा, अभी आपने जो ग्राउंड फ्लोर बताया था ऑफिस बना हुआ, वो भी एक बार जरा उधर चल के दिखा दो आप। दोस्तों, यहीं से हमने चढ़ना शुरू किया था आपके सामने, और ये इनका पहला फ्लोर है सबसे नीचे, यानी ग्राउंड से जो बेसमेंट है उसके ठीक ऊपर वाला। आइए जी। अच्छा जी, ये इस तरह का बना रखा है जी, है इसमें क्या क्या है सर? अच्छा, तो इसको कौन अभी इस्तेमाल करता है? किराए पर उठा रखा है? नहीं नहीं, ऑफिस बना रखा अपने लिए। अच्छा जी, बैठने के लिए। ओके, अभी किराया विराया नहीं उठाया है? बीच में वैसे कभी उठाया था किराया? नहीं नहीं। कितना किराया सर आ जाएगा इसको अगर उठाएंगे तो? 50,000, 50,000 की ऑफर आई हुई है सर। अच्छा, 50,000 रुपये किराया भाई, ऑफर आई हुई है। आता है जी, सदर बाजार है भाई ये, यहाँ आता है किराया, इसी तरह किराया आता है, पाएंगे तो आपको 200 पता यहाँ पर चलेगा। ये देख सकते हैं, एक इसमें ऑफिस बना हुआ है, इधर ड्रेसिंग टेबल और इधर ये, और बाकी दोस्तों फॉल सीलिंग ऊपर आप देख सकते हैं, इधर दीवार वगैरह देख लो, मतलब जितना पुराना है, जैसे अभी इन्होंने आपके सामने बताया कि 1995 का इसका कंस्ट्रक्शन है, तो उसके हिसाब से लगता नहीं है कि भाई इतना पुराना कंस्ट्रक्शन इसका होगा, क्योंकि मेंटेन इसको ठीक ठाक किया गया है। इधर वॉशरूम दिखा दो एक बार, वॉशरूम भी दिखाओ जरा। तो ये पूरा जो ऑफिस जो बता रहे हैं, इस ऑफिस का 50,000 रुपये महीने का ऑफर आया हुआ है, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है। अभी गली, उधर भी गली और सामने भी गली है, कुछ दो चार बातें भैया आपसे करना चाहता हूँ, जल्दी से आ जाओ प्लीज। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर लोग बात कहते हैं भैया इतना टाइम क्यों लगाते हो। हेलो, राजू भाई साहब ने पूरी बिल्डिंग दिखा दी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये, कुछ दो चार बातें बिल्डिंग के बारे में प्लीज आप मुझे बता दो। जैसे एक तो ये सामने मंदिर है बिल्डिंग के, जो मैंने देखा वीडियो शूट के दौरान। मंदिर तो किसी और जमीन में, हमारा तो कोई जमीन से लेना देना नहीं है मंदिर का। नहीं नहीं, कोई मंदिर से। ओके, दूसरी बात, दूसरी बात, यहाँ सदर बाजार में क्या होता है, जीपीए होता है कि रजिस्ट्री होती है? रजिस्ट्री भी है, जीपीए भी है, दोनों है आपके। तो किसके नाम पर है सर ये? आप ही के नाम पर है क्या ये? इसके कागज आपके नाम पर हैं? और सारे कागज कलम करके मैंने अपने मिसेज के नाम से गिफ्ट डीड करवा रखी है। ओके, आपकी मिसेज के नाम से, आंटी के नाम पर है? गिफ्ट डीड करा रखी है, सारा सब चीज मिला के। अच्छा, इसमें इन्होंने मुझे जब बिल्डिंग दिखाई तो इसमें दो टुकड़े दिखाए गए हैं, एक मकान तो थोड़ा नीचा है, मतलब नीचा तो नहीं है लेकिन दोनों के कंपैरिजन में एक थोड़ा 2-3 फुट ऊंचा है, तो ये 37.5 साढ़े, दो अलग अलग इशू थे, उन्होंने 2 फुट ऊपर कर लिया था, हमने 2 अलग थे। अच्छा, बाद में फिर वो आप ही ने खरीद लिया था? उससे हमने बना बनाया खरीद लिया। अच्छा, बना बनाया आपने बगल वाला, ये ऊंचा वाला खरीद लिया था? अच्छा जी, बाकी इसमें, बाकी इसमें 2 मीटर लगे हैं, 1 मीटर इधर लगा, 1 मीटर उधर लगा है सर, अलग अलग मीटर हैं दो? हाँ सर, मीटर के बिजली के इधर भी लगे उधर भी लगे, हमने फिर एक जगह लगा लिया। अच्छा जी, अच्छा किराए की सर जरा बता दीजिए, इसका बिल्डिंग का पूरे को अगर उठाएंगे तो कितना किराया इसका आ जाएगा? कम से कम 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख रुपये आ जाएगा इसका प्रेजेंट में अगर उठाएंगे तो? तो कम से कम है, कम से कम 1.5 लाख रुपए आएगा। एक अकेली जो ऑफिस है, हाँ, वो इसी 50,000 चल रहा पर मंथ। हाँ, बता रहे थे मुझे, ये भी बता रहे थे कि इस ऑफिस का 50,000 रुपए ऑफर आ रहा है किराए के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें बना चाहिए, बिल्कुल फर्निश है, बिल्कुल सेम है, फर्निश है, फर्निश है, किराए विराए पे देना नहीं है, मतलब इरादा है नहीं किराए पे देने का? अच्छा, एक बार आसपास के यार लोग बता दो, जैसे आसपास कौन लोग ज्यादा रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वगैरह? सारे एक बैल है, पूरे हिंदू की है। ओके, और एक कोने में 15% मुसलमान है, 15% मुसलमान, बाकी यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है, यहाँ तो क्या कि व्यापारी वर्ग है भाई पूरा सदर बाजार में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिक्स मिठाई डब्बा है जी। समझ गया सर, समझ गया आपकी बात को मैं। हाँ, और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं होता झगड़ा फसाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी टाइटल वगैरह एकदम क्लियर है इसका? सब इतना दिल्ली में सदर बाजार में जैसा टाइटल क्लियर होगा ही नहीं। हाँ ठीक कह रहे हैं, भाई भाई चाचा ताऊ का कोई रगड़ा नहीं है, सिर्फ मेरा है, मेरा ही है। समझ गया मैं सर। फाइनली थोड़ा, फाइनली थोड़ा हम रेट की बात करते हैं आज। अच्छा, आप रहते कहाँ पर हैं सर? आरकेपुरम रहते हैं आप? आरकेपुरम मैं तो बच्चे ने रहता हूँ जी, सरकार क्वार्टर में। ओके जी, बच्चों के साथ रहता हूँ, पहले मैंने बनाया था उनके लिए, उनके नौकरी लगी वो छोड़ गए, अब यहाँ नहीं रहते, वो उनका अपना
वो है जी, जी। उनका अपना बसेरा वसेरा सब कुछ गवर्नमेंट में उनके लगे हुए हैं सब अपना समझ गया बात लगे तो वो नहीं आना चाहते हैं कभी आएंगे ना उन्होंने अपना सेटल कर लिया। सर इसका एक बार एड्रेस बता दो, फुल एड्रेस क्या है इस बिल्डिंग का, कोई अगर आना चाहता है तो। हाँ अब मैं कहता हूँ यहाँ से 12 ड्यूटी जैसे आएंगे वहाँ से आएंगे गली वर्मा। अच्छा गली वर्मा से पूछेंगे बस्ती चौखला, बस्ती चौखला। अच्छा बस्ती चौखला पे ही कॉर्नर पे मंदिर के पास 4117-18 यही बिल्डिंग है अपनी जिसमें आप शूट कर रहे हैं। हाँ जिसमें शूट कर रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल सर। 4117-18 नंबर मंदिर के बराबर में बस्ती चौकला पे आने नंबर अपने आप मिल जाएगा नंबर। ओके जी ओके, बाकी तो लोग आपके आपका नंबर मैंने सर मैंने आपका नंबर स्क्रीन पे दे रखा है वीडियो की पे, तो बाकी लोग आपसे जान लेंगे। फिलहाल जो आखिरी सवाल है मेरा वो जरूरी सवाल ये है कि इसका सर रेट की थोड़ी बात हम करते हैं, आप इसका क्या डिमांड कर रहे हैं एक जेन्युइन प्राइस। इस बिल्डिंग के दो हिस्से 4117 और 18, इसमें पीछे फ्रंट की तो 20 है और पीछे की 10 है, दोनों मिलाने मतलब, जैसे मर्जी ले ले। मतलब फ्रंट वो है जिसमें कांच के ब्लैक कलर वाले गेट लगे हुए हैं, जिसमें हाँ एसी लगा हुआ है, इसमें 3 गेट लगे हुए हैं, 3 गेट लगा। अच्छा वो फ्रंट है। अरे एक एक बात तो मैं भूल ही गया, अब आपने देखिए ये नीचे जो है ना 3 दुकानें हैं, ये जो बेसमेंट है ना ये मैंने इकट्ठी कर रखी है, एक्चुअली नीचे 3 दुकानें हैं। अच्छा जिसमें आप बैठे हैं इसमें एक जो फ्रंट की दुकान एक बैक की दुकान एक पीछे बराबर की है, 3 तो ये दुकान है नीचे बेसमेंट है इतना हिस्सा है। डिमांड क्या मान के चलूं, एक थोड़ा सा आइडिया दीजिए डिमांड रेट का जो मैंने लेने। हाँ हाँ मैं बता ना, 120 इधर का है फ्रंट का और 110 पीछे का है। अच्छा 110 इधर का है, समझ गया मैं, 110 पीछे का है और 120 यहाँ का है जहाँ अभी बैठे हुए हैं, एसी लगा हुआ है। हाँ जी हाँ जी एसी लगाए के भी ऊंचा हुआ है जी। हाँ जो जेन्युइन वायर होगा जो वो अपना करेगा जी, मैं मुझे लगेगा कि हाँ जी जेन्युइन है, उसके उनके मान सम्मान में जो कुछ वो कहेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, ये जेन्युइन वायर होगा करेंगे तो ओके, ओके। वो जेन्युइन हो। ठीक है सर, फिर मैं बाकी आपका नंबर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, कोई फोन करता है तो प्लीज आप बात कर लीजिएगा। समय के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, ठीक है जी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये आपके सामने सारी बातचीत हो चुकी है, बाकी जानकारी आप सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखिए अब मैं रेट की थोड़ी बात करता हूँ, उन्होंने बताया कि इसका मांग रहे हैं वो 120, पीछे वाले का मांग रहे हैं 110, क्योंकि इसमें 2 दरवाजे हैं, पीछे वाले में सिंगल साइड है, इसलिए टोटल मकान अगर टोटल की वैल्यू की बात करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 साइड ओपन, 37.5 गज प्लस 37.5 गज, टोटल लगभग 80 गज के आसपास ये बन जाता है। और ऊपर जब जाते हैं तो बालकनी मिल जाती है, तो थोड़ा सा एरिया इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप रेंटल इनकम की वजह से अगर इसको लेना चाहते हैं तब तो बढ़िया बढ़िया चीज़ है जी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई नीचे शोरूम बना लें, अपनी दुकान खोल लें, कोई गोदाम बना लें सदर बाज़ार दिल्ली के अंदर, और ऊपर अपने रिहाइश बना लें, तो उसके लिए भी अच्छा है। बाकी प्रॉपर्टी आपके सामने है, वीडियो में आपने सब कुछ देख लिया है, और अगर डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप नोएडा में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन ना लगे तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दो, बाकी समय पर जवाब देने की जिम्मेदारी आपको मेरी है।